फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल कनेक्ट गुरु। आज हार्मोन का चैप्टर डिस्कस करेंगे। हार्मोन की जो पहली क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है। हार्मोन का जो सेकंड पार्ट है ऑलरेडी जो पहला क्लास है वो आप देख सकते हो, चैनल पे मिलेगा। हार्मोन्स के अंदर जो ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। दो प्रकार की ग्रंथियां होती है मानव शरीर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनको कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जो हार्मोन पैदा करती है वो कौन पैदा करती है? हार्मोन कौन पैदा करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन पैदा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन पैदा करती है। अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जो हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, हार्मोन्स पैदा करती है, हार्मोन का उत्पादन करती है। क्लियर होगी बातें। अब बात करते हैं हार्मोन्स का, जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में, हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के बारे में। रिमाइंड कर रहा हूं एक बार मैं, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और वह 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है। अंग्रेजी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड्स। समझ में आ रहा होगा, पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क, ब्रेन के अंदर होती है, और 13 से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मैं जो पहला पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि, वो कहाँ होती है? गले में होती है थायराइड ग्रंथि। और उसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि, वो भी क्या होती है? गले में होती है, थ्रोट के अंदर होती है। और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गेंगा रोग हो जाता है। हमने तीन ग्रंथियां ऑलरेडी पढ़ ली है अंतःस्रावी ग्रंथियों में से। अब चौथी जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम क्या होगा? उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि या तिल्ली ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, तिल्ली। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैनक्रियास ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है? पैनक्रियास ग्लैंड्स। कहाँ होती है? आमाशय के नीचे। कहाँ होती है? बिलो ऑफ स्टोमक। आमाशय के नीचे होती है अग्नाशय ग्रंथि। आमाशय के नीचे होती है अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान से सुनिए, जो अग्नाशय ग्रंथि है वो आमाशय के नीचे होती है। आमाशय होता है पेट, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमक। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? स्टोमक कहा जाता है। आमाशय के नीचे होती है स्टोमक। क्लियर होगी बातें। और ये अग्नाशय ग्रंथि है वो किस हार्मोन्स का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन पैदा करती है। क्या काम करती है? इंसुलिन हार्मोन्स पैदा करती है। और इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर में क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डायबिटीज। और इंसुलिन हार्मोन का काम है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखना, ग्लूकोज के स्तर को, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा को मेंटेन करके रखना काम होता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और इसको अंग्रेजी में पैनक्रियास ग्रंथि भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको आप शुगर बोलते हैं, अगर उस वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से जो इंसुलिन हार्मोन है उसका जो उत्पादन है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाता है। क्लियर होगी बात है इंसुलिन के बारे में। अब बात करते हैं जो दूसरा हार्मोन कौन सा पैदा करती है अग्नाशय ग्रंथि, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पैदा करती है? ग्लूकागोन हार्मोन भी किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्लूकागोन हार्मोन भी किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये भी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और इसका काम क्या है? ये भी एक प्रकार से जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करके रखता है, ये इंसुलिन के साथ में काम करता है, इंसुलिन की हेल्प करता है ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए बॉडी के अंदर। क्लियर होगी बातें। अब बात करते हैं पांचवी जो ग्रंथि है उस पांचवी ग्रंथि का नाम क्या है? ऑलरेडी तीन ग्रंथियां पहले क्लासेस में आ चुकी है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का फर्स्ट क्लास है वो चैनल पे आ चुका है, और ये सेकंड पार्ट चल रहा है, और ये बायोलॉजी की क्लास चल रही है, और जनरल साइंस की क्लासेस है। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल क्लासेस है। बात करते हैं अब पांचवी ग्रंथि कौन सी है? पांचवी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पांचवी ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। पांचवी ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि को कहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क का मतलब होता है किडनी, गुर्दा। ये क्या होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। कहाँ होती है? गुर्दे के ऊपर होती है। गुर्दा आप जानते हो किडनी का काम क्या है? मानव शरीर में ब्लड को फिल्टर करना। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है 90% जो काम करता है ब्लड को प्योर करने का, वो करता है किडनी।
आपने सुना होगा जिस व्यक्ति का जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है तो उसकी बॉडी में किसी प्रकार की इम्प्यूरिटीज नहीं होती, अशुद्धियां नहीं होती और उसके फेस पे या उसकी स्किन पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लड के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी, जिसका ब्लड प्योर नहीं है उसकी स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको खाज खुजली हो जाएगी और ये मुंह के ऊपर जो कील्स वगैरह ऐसे कुछ होते हैं ना ब्लड के इम्प्यूरिटीज के कारण होती है, तो गुर्दा अच्छे तरीके से काम नहीं करता। हम किडनी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एड्रेनल ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्मोन्स का चैप्टर चल रहा है और ये हार्मोन्स के एड्रेनल ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि होती है और कहाँ होती है, गुर्दे के ऊपर होती है। किस हार्मोन्स का, किस हार्मोन्स को पैदा करती है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है एड्रेनल ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करती है, कौन सा हार्मोन पैदा करती है एड्रेनलिन हार्मोन पैदा करती है एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, आपातकालीन हार्मोन। क्यों कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि यह तीन सिचुएशन में पैदा होता है। कौन सी तीन सिचुएशन, 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 3F का मतलब क्या होता है, पहले F का मतलब होता है फियर और दूसरे एफ का मतलब होता है फाइट और तीसरे एफ का मतलब होता है फ्लाइट। पहले का मतलब होता है फियर, फिर फाइट और फिर फ्लाइट। पहले का मतलब क्या होगा, फियर होगा और दूसरे का मतलब क्या होगा, फाइट होगा और तीसरे का मतलब क्या होगा, फ्लाइट होगा। फियर का मतलब क्या होता है, डर। जब किसी व्यक्ति को डर लगता है उस टाइम एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में से और वो रिलीज होना जरूरी है। और जब कोई व्यक्ति फाइट कर रहा होता है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो वहां भी कौन सा हार्मोन पैदा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होता है। और जहां पे फ्लाइट, उड़ने की बात आ रही है, जैसे कोई फ्लाइट में जैसे उड़ान वगैरह या कोई भी ज्यादा हाइट पे कोई फ्लाइट कर रहा है पैराशूट से ऐसे कुछ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन्स पैदा होता है। क्यों होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन एक इमरजेंसी हार्मोन है और ये उस टाइम रिलीज होना जरूरी होता है। अगर ये उस टाइम रिलीज नहीं होगा तो जो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या रीजन है, जब ये एड्रेनलिन हार्मोन्स बॉडी में से निकलता है तो ये क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और हार्ट को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। किस टाइम, जब कोई व्यक्ति डर में है, खतरे के टाइम में, डर लग रहा है उसको या लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होना जरूरी होता है और ये एड्रेनलिन हार्मोन है और जिसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात एड्रेनलिन वाली। अब बात करते हैं एड्रेनलिन के आगे, मैं बता देता हूं, इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एसएससी वगैरह में या रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है कि ऐसा हार्मोन्स बताएं जिसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन है जिसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन, क्लियर होगी बातें। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी है, पांचवी ग्रंथि कौन सी होगी, एड्रेनल ग्रंथि। अब जो छठी ग्रंथि है उस छठी ग्रंथि का नाम क्या है, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं उन चीजों को। जो एड्रेनल ग्रंथि है वो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, गुर्दे के ऊपर होती है और एड्रेनलिन हार्मोन्स पैदा करती है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसको इमरजेंसी हार्मोन और इसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंसान की क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से बचाता है, उसको हार्ट अटैक आने से बचाता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ये क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जैसे किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है और उसकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है तो उसका बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। और जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, मतलब ब्लड हाई हो गया, ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर जैसे आप बोलते हो, तो रक्तदाब होता है, वो किसके कारण होता है, जब उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन उसकी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है। अब बात करते हैं पांचवी छठी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, छठी ग्रंथि कौन सी है, वृषण ग्रंथि, जिसको कहते हैं टेस्टिस ग्लैंड्स। और एक साथ में एक और होती है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, जनन ग्रंथि है, साथ में होती है अंडाशय ग्रंथि जिसको कहते हैं ओवरी ग्लैंड्स। सातवीं ग्रंथि कौन सी है, अंडाशय ग्रंथि, सातवीं ग्रंथि है अंडाशय ग्रंथि, इसको कहते हैं ओवरी ग्लैंड्स। क्लियर होगी बातें। अब मैं रिमाइंड कर देता हूँ, सात ही ग्रंथियां होती हैं हार्मोन्स के अंदर, ये दो हैं, ये वृषण वाली और अंडाशय वाली। पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, हमने हार्मोन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हम हार्मोन्स की जो सेकंड क्लास चल रही है और हार्मोन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो बेबी स्विस स्टार्लिंग वैज्ञानिकों ने 1909 ईस्वी में बताना शुरू कर दिया था इनके बारे में। और हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पैदा होते हैं और इसको हार्मोन्स के अंदर जो जितनी भी पहली ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम बताया था मैंने आपको, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, ब्रेन में होती है। उसके बाद में मैंने दूसरी ग्रंथि का डिस्कस किया था, थायराइड ग्रंथि,
जिसको क्या कहते हैं गले में होती है, उसके बाद में दूसरी ग्रंथि कौन सी थी, पैराथायराइड ग्रंथि जिसको प्राउटो ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, वो भी गले में होती है। उसके बाद में कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या होती है अमाशय के नीचे होती है, कहाँ होती है अमाशय के नीचे होती है, इंसुलिन हार्मोन्स का उत्सर्जन करती है, चौथी ग्रंथि होगी। उसके बाद में पांचवी ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनल ग्रंथि, और ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये अधिवर्त ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में, गुर्दे के ऊपर होती है, और आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स को। और ये तीन सिचुएशन में पहला होता है थ्रियर, जब कोई व्यक्ति फियर एंटर लग रहा है, फाइट हो रही है, फ्लाइट, उस टाइम क्या होता है ये हार्मोन पैदा होता है, और एड्रेनलिन हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो छठी ग्रंथि है वृषण ग्रंथि और जो सातवीं ग्रंथि है उसका जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ये हार्मोन का चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आपको हार्मोन की जो सेकंड क्लास है बायोलॉजी का जो क्लास चल रहा है जनरल साइंस का, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, थैंक यू।